सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़े नाल थोड़ी अपनी दोस्त सीमा शर्मा। तो इस वेले हाँ जी, मैं DAV स्कूल के खूबसूरत कैंपस के विच, ते तुसी वेख सकते हो कि DAV दे इस कैंपस के विच दिवाली मेले नू लैके बहुत ही उत्साह है और स्कूल नू बहुत ही खूबसूरत ढंग दे नाल सजाया जा रहा है। स्कूल दे विच मेले दे लई बहुत ही सोहनी तैयारी और बहुत ही खूबसूरत जिहड़े सजावट की गई है और अध्यापकों द्वारा बच्चे ते उन्हां दे मापियां दे लई, उन्हां दे ग्रैंड पेरेंट्स दे लई अलग अलग स्टॉलों का इंतजाम किया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट के मैडम निर्मल द्वारा इतने आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिस दे विच बहुत ही सोहना बच्चों का आर्ट का जिहड़ा हुनर है वह वेखन नू मिलिया। और तुसी वेख सकते हो कि इस दीयां कुछ झलकियां मैं तुहानूं विखा रही हूँ, तो अगे भी तुसी वीडियो दे विच, पूरी वीडियो दे विच बहुत ही प्यारा आर्ट बच्चों का तुसी वेख सकते हो। उस तो इलावा बच्चों के द्वारा ही बनाए गए कई ड्राइंग्स बोर्ड्स सजाए गए, तो तुसी वेख सकते हो हैप्पी दिवाली का बहुत ही सोहना बोर्ड जिहड़ा है बच्चों द्वारा बनाया गया। तो स्कूल के हर एक कोने नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सजाया गया। तुसी वेख सकते हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिहड़ा है स्कूल का बहुत ही सोहने तरीके दे नाल फुल लड़ियाँ सजावट जिहड़ी है इहदे विच कीती गई। तो तुसी देख सकते हो बहुत ही सोहनी रंगोली जिहड़ी है बच्चों के द्वारा तो उन्हां दे अध्यापकों द्वारा हर एक कोने दे विच तैयार की गई। तो तुसी वेख सकते हो इस दीयां कुछ झलकियां, तो अगे भी तुसी वेख सकते हो कि बच्चों द्वारा कोने कोने दे विच स्कूल दे हर एक कोने नूं सजाउण दे लई पूरी शिद्दत दे नाल मेहनत की गई। तो हुण सिर्फ और सिर्फ इंतजार है बच्चों के मापियां दा। तो बच्चे जिवें ही स्कूल दे विच आउणगे ते नाल ही नाल उन्हां दे लई टैलेंट हंट की तैयारी है, कुछ खेडां भी जिहड़ियां ने बच्चों के लिए तैयार कीतियां गईयां ने उन्हां दे मनोरंजन दे लई मेले दे दौरान, तां कि बच्चे जिहड़े ने उसका पूरा लुत्फ उठा सकन। ते साडा जिहड़ा कल्चर है पंजाब दा, क्योंकि साडा पंजाब मेलियां त्यौहारां दी धरती है, तो इस दे विच जिहड़ा अज दा जिहड़ा दिवाली मेला DAV दा द्वारा लगाया गया खास मेला, यह आकर्षक दा केंद्र है बच्चों के लिए, उन्हां दे मापियां दे लिए। तो तुसी साढ़े नाल नाल रहना, क्योंकि सब तो वड्डा इस मेले दा जिहड़ा आकर्षण दा केंद्र है वह है जी बच्चों दा टैलेंट हंट, जिस दे विच बच्चों ने अपने अपने टैलेंट दे जिहड़े ने जोहर विखाए ने, गायकी डांस हर एक तरीके की पोयम भजन शब्द हर तरीके का जिहड़ा तुहानूं टैलेंट इस स्टेज दे उत्ते देखन नूं मिलेगा DAV दी खूबसूरत स्टेज दे उत्ते। तां बस तुसीं रहना साडे नाल, तां मिलदे हां जी कुछ ही पलां दे विच टैलेंट हंट दे विच। तुसीं बस वीडियो दे अंत तक बने रहना ते वेखना जी बच्चों का एक आर्ट। तां मिलदे हां जी, तुसीं बने रहो विराट रेडियो दे नाल।
ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ मैडम पूजा गिल ते उन्ह साथी विद्यार्थी आप सब के स्वागत लई वेलकम सॉन्ग पेश करन जा रहे ने तो आप सब का एक बार फिर तो डीएवी के वेड़े दे विच बहुत बहुत स्वागत जी आया नू वेलकम तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं वेलकम सॉन्ग ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
परम सत्कारयोग प्रिंसीपल साहिब, सूझवान मापे साहबान, अध्यापक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सब नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो पहला दिवाली दे इस पावन मौके अते शुभ त्यौहार ते स्कूल वालों आयोजित दिवाली वेले विच पहुँचे समूह मापे साहबाना का मैं पूरे डीएवी परिवार वालों धन्यवाद करता हाँ अते जी आया नू आखदा हाँ। असी धन्यवादी हाँ कि आप अपने कीमती समय विचों समा कढ के इस मेले विच पहुँचे अते इहदी रौनक नू होर वधाया। अज मैं आप जी दे सामने दिवाली दे त्यौहार दे इतिहासिक पिछोकड़ खास करके बंदी छोड़ दिवस दे रूप विच चानण पाउण जा रहा हाँ। दिवाली भारत दे सब तो प्रसिद्ध त्यौहारां दे विचों एक है। एक कत्तक महीने की मस्या वाले दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदुओं अते सिखां दा सांझा त्यौहार है। मर्यादा पुरशोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 सालों के बनवास पिछों अपनी पत्नी सीता अते छोटे भरा लक्ष्मण सहित इस दिन अयोध्या पहुँचे। अयोध्या निवासियों ने उन्होंने स्वागत लई घ्यो दे दीवे जगा के उन्होंने जी आया नू कहा। उस दिन तो ही हिंदू धर्म विच यह त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जाता है। सिख धर्म नाल भी इस त्यौहार का बड़ा गूढ़ा संबंध है। सिख कौम वालों दिवाली नू बंदी छोड़ दिवस वजों मनाउण दा संबंध 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी 52 राजियां समेत ग्वालियर के किले चों रिहाई नाल जुड़िया है। उन्होंने मीरी ते पीरी दियां दो किरपाना धारण कीतियां, सिखां नू घोड़सवारी समेत युद्ध कला विच निपुण होण दा संदेश दिता। गुरु साहिब ने अमृतसर विच सिख कौम संबंधी निर्णयां लई श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना भी की। गुरु साहिब की शाही सुतंत्र अते बेबाक जीवन शैली हकूमत नू रड़कन लगी। गुरु साहिब ने दोखियां ने मुगल हाकमां नू भड़काउणा शुरू कर दिता। बादशाह जहांगीर नू भी जापदा सी कि शायद गुरु साहिब सारी जंगी तैयारी मुगल हकूमत कोलों अपने गुरु पिता की शहादत का बदला लैन लई कर रहे हैं। उन्होंने गुरु साहिब नू निशाना बनाउण लई चाला चलनियां शुरू कर दित्तियां। उन्होंने गुरु साहिब नू ग्वालियर के किले विच बंदी बना दिता। जहांगीर वालों वख-वख रियासतां दे 52 राजियां दियां रियासतां हथियाउण उपरंत उन्हां नू भी बंदी बना के ग्वालियर के किले च रखिया होया सी। किले विच गुरु साहिब ने सरकारी खजाने चों आ रहे भोजन नू छकण तों इनकार कर दिता। बंदी राजे अपनी आजादी का विचार त्याग के घोर निराशा विच रह रहे सन। गुरु साहिब ने बंदी बनाए जाण नू परमात्मा की मेहर वजों स्वीकार करदियां राजियां नू समझाया कि जालम सिर्फ शरीर नू बंदी बना सकते हैं आत्मा नू नहीं। गुरु साहिब ने फरमाया कि इस नाल सानू परमात्मा के सिमरन लई वधेरे समा बिताउण दा अवसर मिलिया है। गुरु साहिब ने दे चढ़दी कला वाले विचारां दा राजियां दे मना ते भारी असर होया। गुरु साहिब नू तर्कहीन ढंग नाल किले विच बंदी बनाए जाण दा सिखां समेत सभना धर्मां दे लोकां ने विरोध किया। मुगल हकूमत ने गुरु साहिब नू रिहा करन दा निर्णा लिया। गुरु साहिब ने मुगल हकूमत अगे अपनी रिहाई दे नाल 52 राजियां दी रिहाई दी शर्त भी रखी। रिहाई वेले गुरु साहिब वलों पहने 52 कलियां वाले किले चोले नाल इन्हां 52 राजियां दी रिहाई भी हुई। किले चों रिहाई उपरंत गुरु साहिब श्री हरिमंदर साहिब विखे पहुँचे तो सिख संगतां ने उन्हां दी आमद दी खुशी विच हरिमंदर साहिब विखे दीपमाला ते आतिशबाजी दे नाल नाल अपने घरां दे बनेरियां ते भी दीपमाला कीती। उस दिन तो सिख कौम का दिवाली नाल संबंध होर भी गहरा हो गया ते सिखां ने दिवाली का त्यौहार बंदी छोड़ दिवस वजों मनाउणा शुरू किया। सिखां वालों हरिमंदर साहिब विखे मनाई जाती दिवाली विश्व प्रसिद्ध है।
इस मौके आतिशबाजी ते दीपमाला दा नज़ारा बहुत विलक्षण हुंदा है। यह अलौकिक नज़ारा वेखण अते गुरु साहिबान नूं तीस चुकाउण दी लई वड्डी गिणती विच संगतां हर वरे हुम हमा के श्री हरिमंदर साहिब पुजदियां हन अते नतमस्तक हुंदियां हन। इस संबंधी एक कहावत भी मशहूर है कि दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। इस त्यौहार का पिछोकड़ जैन धर्म के लोगों नाल भी जुड़िया होया है। जैन धर्म के लोग स्वामी महावीर के निर्वाण दिवस वजों इस त्यौहार को मनाते हैं। आर्या समाज विच भी इस त्यौहार का विशेष महत्व है। आर्या समाज इस धर्म के संस्थापक स्वामी दयानंद जी के निर्वाण दिवस के रूप में इस त्यौहार को मनाता है। इस प्रकार यह त्यौहार सभना धर्मों का साझा है। यह भारत की साझीवालता ते भाईचार एकता का प्रतीक है। अंत विच मैं परमात्मा अगे अरदास करता हाँ कि यह त्यौहार साढ़े सारियां दे जीवन में तंदुरुस्ती, खुशहाली, कामयाबी, तरक्की लैके आवे। मेरे वालों आप सब नूं दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस दियाँ बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। सब का फिर तो स्वागत है। कुछ पेरेंट्स हुणे हुणे पंडाल दे विच पहुंचे हैं, आप सब का भी स्वागत है। थोड़ा लेट हो, मैं तुहानू दसना चाहांगा कि साढ़े दौरान बहुत ही सत्कारयोग माता अमरजीत कौर जी घग्गा तो साढ़े विच विराजमान ने, बड़ी पहुंची हुई शख्सियत ने। बहुत सारे इलाके तो बाहर के लोग भी, देशों विदेशों में भी माता जी के भगत ने जिहड़े कि बखूबी, उन्हां दी बड़ी कृपा है साडे इलाके दे उपर, खासकर साडे स्कूल दे विच आउंदे जांदे रहिंदे ने, विजिट करदे रहिंदे ने, इन्हां दे पोते पोतियां भी साडे कोल पढ़दे ने। सो एक बार फिर तो उन्हां दा साडे दरम्यान पहुंचन ते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सो हुण मैं बेनती करांगा साडे संगीत विभाग दे मैडम पूजा गिल अते उन्हां दे नाल साडे विद्यार्थी छोटे छोटे बंदी छोड़ दिवस नाल संबंधित शब्द पेश करन जा रहे ने। सो आप सब नूं बेनती है 5 मिनट लई सारे जने सिर ढक लैणगे। सो असी पेश करन जा रहे हैं साडे संगीत विभाग दे मैडम पूजा और उन्हां दे नाल छोटे छोटे साडे बच्चे विद्यार्थना शब्द पेश करन जा रहे ने बंदी छोड़ दिवस दे नाल। सो पेश है।
पांच मिनट लई सारे जने सिर ढक लैणगे। सो असी पेश करन जा रहे हैं साडे संगीत विभाग के मैडम पूजा और उन्होंने नाल छोटे छोटे साडे बच्चे विद्यार्थना शब्द पेश करन जा रहे ने बंदी छोड़ दिवस के नाल। सो पेश है जाते किले नमस्कार करते मुड़ते मुगलों के जुर्मा
ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਤਬਾਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਖਬ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਦ ਸੀ ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਪੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਤਕ ਰਚ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀ 52 ਕੜੀਆਂ 52 ਰਾਜੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਰਿਹਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹਰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਗਮਗ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਲੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ खुशियों के इस पावन त्यौहार को मिलकर मनाएं।
खुशियों के इस पावन त्यौहार को मिलकर मनाएं, ना किसी से रूठना, ना किसी से रूठना, ना किसी से द्वेष। जहाँ प्यार है, मोहब्बत है, वही है माँ लक्ष्मी का प्रवेश, वही है माँ लक्ष्मी का प्रवेश। हंसना और औरों को भी हंसाना, हंसना और औरों को भी हंसाना, इसी ही जीवन का बनाए उद्देश्य। दिवाली के इस पावन त्यौहार को खुशियों से मनाएं। धन्यवाद। Thank you.
हसदा वसदा रहे पंजाब मेरा, खूह जोड़ खेतां विच हल वावां, मीह पैण ते हरियां होण फसलां, ते मैं नच नच भंगड़े पावां, ते मैं नच नच भंगड़े पावां। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस लैके आ रहा तुहाडे सामने, क्लास सैवन तो हरसिमर पेश करन जा रहा है भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। Yeah।
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਰੱਖ ਲਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਲੀ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਸਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਨੀ ਖਾਧੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰੱਬ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਇੱਕ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤਿਆਗ ਸੱਜਣਾ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤਿਆਗ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਜਮਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਰੱਖ ਲਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਲੀ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਸਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਰੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਈ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਭੈਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਨੀ ਮਾਰਦਾ ਦੇਖ ਭੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਭੈਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਹੀ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲ ਭੈਣੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨੀ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣੇ ਬੋਲੀ